कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष महेश्वर चौहान का बयान सामने आया है। बीजेपी पर महेश्वर चौहान ने निशाना साधा है और वहीं पिछले दो चरणों में नहीं मिली कोई सफलता, 400 पार का नारा हुआ विफल, महेश्वर चौहान की तरफ से कहा गया। और वहीं इसलिए मुद्दों से हटकर प्रचार कर रही है बीजेपी, बीजेपी बहुमत से दूर हो रही है, महेश्वर चौहान की तरफ से कहा गया। और वहीं हिमाचल में चारों सीट जीतेगी कांग्रेस, देश में रन आउट होगी बीजेपी, महेश्वर चौहान की तरफ से कहा गया है। पूरे प्रदेश में आज जो चुनाव प्रचार चला है, हमारे दो लोकसभा के प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी को उन दोनों से बड़ा मलाल है कि वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। जयराम जी भी कह रहे हैं कि विक्रमादित्य को किसी साजिश के तहत चुनाव लड़ाया जा रहा है, पर मुझे लगता है कि ये जो साजिश है ये विक्रमादित्य के खिलाफ नहीं हो रही है, ये साजिश जो है जयराम जी के खिलाफ कहीं ना कहीं हो रही है। अगर उनको ये प्रतीत होता है कि विक्रमादित्य जो है वहाँ क्यों लड़ रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले ही ये जो तीन विधानसभा के चुनाव हुए उसमें अपने केंद्रीय मंत्रियों को विधायक के चुनाव लड़ाए, तो इनकी जो राजनीति के अंदर जो इनकी मेमोरी है वो बड़ी शॉर्ट है। इनको याद रखना चाहिए कि जो आज आप हम पे कह रहे हैं, आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए।